है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वॉकिंग। गाइज, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 32 एम्पियर नॉर्मल चेंजर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम सीखेंगे विथ स्टेबलाइजर के साथ में। यहाँ पर स्टेबलाइजर लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर इस स्टेबलाइजर के साथ में कैसे कनेक्शन होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलते हैं पेज पे डायरेक्टली, वहाँ से एनिमेशन के जरिए से आपको समझाएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक एक चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। पहले एक चेंजर ले लिया, 32 एम्पियर का चेंजर है ये नॉर्मल। ओके गाइस, ये ऑटोमेटिक चेंजर नहीं है, ये नॉर्मल हैंड चेंजर है। ओके गाइस, उसके बाद में हम ले लेते हैं एक जनरेटर जिससे इससे कनेक्शन करना है। उसके बाद में हम एक ले लेते हैं स्टेबलाइजर 5 kW। एंड यहाँ पर स्टेबलाइजर एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कई दोस्तों की ये होगा कि यहाँ पर 3 kW स्टेबलाइजर लगा सकते हैं सर, या 5 kW स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, या 7 kW स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, या 5 kW ही स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। तो ऐसा मैटर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 10 kW के नीचे जितना स्टेबलाइजर है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद में हम ले लेते हैं मीटर, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक मीटर। ये मीटर किस लिए लगाया जाता है ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि मीटर हमारा रीडिंग होता है जिससे हमारा बिल होता है, बिल आता है। ओके गाइस, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा। तो ये आपका इन का पूरा सामान हो गया। इसके बाद में हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं, एक होम ले लेते हैं जो कि आपके घर में, यानी चेंजर से आपके घर में लाइट कैसे ऑन ऑफ होगी, कैसे जाएगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, एक MCB ले लेते हैं जो आपका मैन बोर्ड, ये समझ लीजिए आपका मैन बोर्ड है, जो आपके घर में मैन बोर्ड लगा हुआ होता है ये आप समझ लीजिए मैन बोर्ड या इंसुलेटर समझ लीजिए। ओके गाइस, ओके गाइस, उसके बाद में एक हम लाइट ले लेते हैं ऊपर के आउटपुट के लिए, जो आपको अभी पता चल जाएगा मैंने किस लिए एक लाइट लिया। ओके गाइस, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम कनेक्शन कर लेते हैं, ऑब्वियसली कनेक्शन करेंगे। तो हम कनेक्शन कर लेते हैं, तो पहले हम मैन लाइन से शुरू करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे मीटर का कनेक्शन तो हमको लोग को मिलता नहीं है, मीटर का कनेक्शन तो गवर्नमेंट आदमी ही करता है। ओके गाइस, कोई कोई होता है कर देता है मीटर के तोड़ के, तो गाइस इसको गवर्नमेंट का आदमी ही करे तो यही सही है, ताकि जो घर मालिक उसके ऊपर जुर्माना ना लगे। गाइस यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर मीटर एंड स्टेबलाइजर को डिस्टेंस आपको दिख रहा है बहुत कम है, तो इसको आप नहीं देखना। मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या हुआ कि एक लड़के ने पूछने लगा कि यहाँ पर सर आप जो डिस्टेंस है ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, तो स्टेबलाइजर हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके मीटर जो घर के बाहर लगा हुआ होता है, अगर जो स्टेबलाइजर घर के बाहर लगाएंगे तो पानी वानी से ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम स्टेबलाइजर को घर के अंदर लगाते हैं। तो स्टेबलाइजर घर के अंदर लगा हुआ है, मीटर घर के बाहर लगा हुआ है, इसके डिस्टेंस में या आपके डिस्टेंस में केबल, जो केबल वो मोटी होनी चाहिए, बस यही मैटर करता है। एंड डिस्टेंस कितना भी हो मुश्किल नहीं हो, क्योंकि बस केबल मोटी होनी, जितना डिस्टेंस होगा उतनी मोटी केबल होगी। ओके गाइस, ओके गाइस, अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, इनपुट कनेक्शन कर लेते हैं। अभी इनपुट में लाइन चला गया, हमारा आउटपुट निकला कितना, 220 वोल्ट। स्टेबलाइजर हमेशा आउटपुट 220 वोल्ट ही निकालेगा, क्योंकि ये आउटपुट स्टेबलाइजर है। ओके गाइस, यहाँ से आपका कितना भी वोल्ट आएगा, 150 या 100 वोल्ट या 90 वोल्ट, जितने वोल्ट से आपका स्टेबलाइजर बना हुआ होगा उतना वोल्ट निकालेगा। ओके गाइस, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो गाइस यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया, लेकिन हमने क्यों ज्वाइन किया यहाँ पर अभी बताऊँगा। पहले हम जो कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, तो पहले हमने लाइट का कनेक्शन कर लिया एंड हमने जनरेटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं, जनरेटर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने जनरेटर का भी कनेक्शन कर लिया। ओके गाइस, बाकी आपको गाइस यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल चेंजर में यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई नज़र आ रही होगी, 1 और 2 पत्ती लगी हुई नज़र आती है। तो क्या करना है गाइस, हम पत्ती पहले बना देते हैं ताकि आपको आसानी से पता चले। ओके गाइस, ये आपकी मान लो पत्ती लगी हुई है, एक इधर पत्ती लगी हुई है। ओके गाइस, इधर एक पत्ती लगी हुई है, यहाँ पर नहीं जॉइंट है पत्ती। ओके गाइस, ये पत्ती सिर्फ इसमें जॉइंट है, बस ये वाले टर्मिनल में, यहाँ पर नहीं जॉइंट है। ओके गाइस, ये पत्ती इधर साइड में जॉइंट है, ये पत्ती इस साइड में जॉइंट है, दूसरे वाले टर्मिनल में नहीं अटैच है।
ओके तो क्या करना है, एक चीज़ हमने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हमने पत्ती में ना लाइट का वायर जोड़ा है ना जनरेटर का वायर जोड़ा है, ओके तो जो पत्ती वाला जो टर्मिनल है उसमें आपको जनरेटर वायर नहीं जोड़ना है ना लाइट का वायर जोड़ना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपका आउटपुट निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है आपका आउटपुट, यहाँ से आउटपुट निकलेगा जो अभी देख सकते हैं यहाँ पर, ये आउटपुट निकला, ओके गाइस ये आउटपुट एक ऊपर की तरफ लाइट में चला गया। यहाँ पर जनरेटर चेंजर में दो आउटपुट होता है ना, दो साइड से आउटपुट निकलता है, ओके गाइस तो यहाँ इसीलिए हमने दो साइड से बता दिया, एक लाइट के माध्यम से एक एमसीबी के माध्यम से, ताकि आपको पता चल जाएगा, ओके गाइस तो यहाँ पर आप सही से देखेंगे तो हमने पत्ती पत्ती से ही आउटपुट को रिलीज़ किया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पत्ती के सामने से ही आउटपुट हमने लिया है न्यूट्रल का, एंड पत्ती के सामने से ही आउटपुट लिया है हमने फेस का, तो यहाँ पर फेस का हमने आउटपुट ले लिया, ओके गाइस एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको, अब ये आपका जो एमसीबी है, ये मान लीजिए आपके घर का मैन बोर्ड है, तो ये मैन बोर्ड हो गया, इस मैन बोर्ड में आपका चेंजर का लाइन आ गया, यहाँ पर आ गया तो आपके मैन बोर्ड में चला गया, मैन बोर्ड से पूरे घर में। लेकिन एक आपको कन्फ्यूजन रहेगा, ये हम बता देता हूँ कि जैसे आप सोच रहे होंगे ये स्टेबलाइजर हमने यहाँ क्यों लगाया है, ओके गाइस यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, तो गाइस इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले, स्टेबलाइजर हमने यहाँ क्यों नहीं लगाया। तो स्टेबलाइजर गाइस यहाँ लगाने के बाद क्या होता, अगर हम अगर यहाँ पर स्टेबलाइजर हम लगा देंगे तो चलेगा, लेकिन कैसे, अगर लाइट आएगा लाइट के लाइन से तो चलेगा, लेकिन अगर जनरेटर चालू करोगे तो जनरेटर का आउटपुट भी इधर से ही जाएगा ना, तो जनरेटर का आउटपुट इधर से जाएगा तो यहाँ पर स्टेबलाइजर से होते हुए जाएगा, तो सही नहीं है ना। आपका जनरेटर लाइन डायरेक्ट थ्रू घर में जाना चाहिए, स्टेबलाइजर से होते हुए नहीं जाना चाहिए, ओके क्योंकि जनरेटर 220 वोल्ट ऑलरेडी निकालता है, उसमें ज़्यादा कम नहीं होता है, इसीलिए हमको माइन लाइन में पहले ही स्टेबलाइजर को ज्वाइन कर देना है, यहाँ पर नहीं ज्वाइन करना है, वरना आपका जनरेटर ख़राब हो जाएगा, ओके गाइस एंड यहाँ इस पत्ती पे आपको कायदे से ध्यान रखना है, क्योंकि सारे स्टेबलाइजर का जो कनेक्शन है इसी पे डिफेक्ट करता है, ओके गाइस अगर पत्ती इधर उधर गलत ज्वाइंट हुआ तो आपका चेंजर का पत्ती जल जाएगा, ओके गाइस एंड जनरेटर भी ख़राब हो सकता है एंड स्टेबलाइजर भी जल सकता है, ओके गाइस तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ताकि हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सकें, ओके गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।